गॉडजिला माइनस वन मूवी को क्रिएट करने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था? ऑस्कर जीतने वाले गॉडजिला माइनस वन के विजुअल इफेक्ट्स के पीछे की कहानी क्या रही है और बिहाइंड द सीन कौन सा ऐसा डार्क ट्रुथ सुनने को मिला था इस मूवी के वीएफएक्स आर्टिस्ट से जुड़े हुए? इस मूवी ने दुनिया भर में कितनी कमाई की? साथ ही साथ इस मूवी ने अपने नाम कौन कौन से अवार्ड किए और इस मूवी का सीक्वल कब आने वाला है? जापान के गॉडजिला का फैंडम वैसे तो दुनिया भर में बहुत पहले से है, लेकिन इस साल ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग साबित हुई जब गॉडजिला माइनस वन ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। एंड डेफिनेटली इसी चीज ने कई सारे लोगों के अंदर इस मूवी से जुड़ी हुई कई सारी क्यूरियोसिटी को भी क्रिएट किया। और उसी सबके लिए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 15 अमेजिंग माइंड बेंडर ऑसम द गॉडजिला माइनस वन फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्फेस्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो जापान के अंदर गॉडजिला के रिबूट फ्रेंचाइजी की शुरुआत जुलाई 2016 में हुई थी, जिसमें उन्होंने शिन गॉडजिला से इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी, जहां पर जापान में तो ये बहुत सक्सेसफुल रही। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट के चलते इस मूवी के दूसरे सीक्वल्स नहीं बन पाए। इसके बजाय जापानीज फिल्म मेकर्स ने इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने पर फोकस किया, जिसके कारण साल 2019 में गॉडजिला रूम नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जिसके अंदर इसके सीक्वल्स और इसके मूवीज के बारे में डेवलपमेंट चालू हुई। और यहाँ पर फिल्म मेकर तकाशी यामाज़ाकी को इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर और विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के लिए चुना गया। बात अगर की जाए इसके कहानी के इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन की, तो उसका इंस्पिरेशन डायरेक्टर तकाशी यामाज़ाकी को गवर्नमेंट के अनरिलायबिलिटी से आया था कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान, और उन्होंने खुद को 2011 की फुकुशिमा डिजास्टर से इंस्पायर ना करने के लिए काफी कोशिश की थी, जिसके कारण गॉडजिला माइनस वन एक एंटी न्यूक्लियर एंटी वॉर थीम पर बेस्ड था, जिसमें होप, ट्रॉमा, गिल्ट और रिडम्पशन के कई सारे एलिमेंट्स को दिखाया गया था। साथ ही साथ ये जापानीज न्यूक्लियर होलोकॉस्ट के पर्सपेक्टिव को भी दिखाता है, जो 1954 की गॉडजिला में भी दिखा गया था। और जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जीरो पर आ गया था, इस मूवी यूनिवर्स के अंदर गॉडजिला का वापस दिखना जापान को माइनस में लेके जाता है, जिसके कारण इसे गॉडजिला माइनस वन बुलाया गया। अब इसके साथ साथ इस मूवी में कैरेक्टर्स के नामों को भी कई सारे नॉड के रूप में प्रेजेंट किया गया था, जैसे कि इस मूवी के वन ऑफ द लीड में कोइची का नाम लेट 80s और 90s के जापानीज गॉडजिला मूवी के डायरेक्टर कोइची कावाकिता पर रखा गया था, जो इन मूवीज के स्पेशल इफेक्ट्स को भी संभालते थे। वहीं पर सिकीशिमा रियल लाइफ में उस स्क्वाड्रन को बुलाया जाता था जो कामिकाजे अटैक्स करते थे, और इन्हें द सिकीशिमा स्क्वाड्रन कहा जाता था। इस मूवी के अंदर गॉडजिला की सीजीआई को पुराने गॉडजिला मूवी को ट्रिब्यूट देते हुए सूट मिशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण इसके पोस्चर को वेस्टर्न गॉडजिला मूवीज के कंपैरिजन में ज्यादा अपराइट रखा गया था, और इसके कई सारे इन्फ्लुएंसेस को 90s और हाइजल एरा के गॉडजिला से डिजाइन किया गया था, स्पेसिफिकली 2001 के गॉडजिला मोथरा एंड किंग गिदोरा जायंट मॉन्स्टर ऑल अटैक के डिजाइन से इंस्पायर किया गया था। वैसे बाकी के अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात की जाए, तो इस मूवी के अंदर टोटल 610 विजुअल इफेक्ट शॉट्स ही थे, जिसमें तकरीबन 35 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था, जिसमें शिरोगुमी के चोफू स्टूडियो में इसके सीजीआई को डायरेक्टर यामाज़ाकी के अंडर बनाया गया था, जहां पर तकरीबन 8 महीने तक का वक्त लगा, जहां पर इस मूवी के कुछ इफेक्ट्स को अचीव करने के लिए साल 2022 से ही शुरुआत कर दी गई थी, जहां पर 3D सॉफ्टवेयर्स जैसे कि हुडिनी, माया और न्यूक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ यहां पर 3D मॉडलिंग के लिए जी ब्रश का इस्तेमाल किया गया। इनिशियली इस मूवी के क्लाइमेक्स का ओशन वाला सीक्वेंस मूवी के अंदर पहले इंक्लूड नहीं किया जाने वाला था, बट मूवी के कंपोजिटर तात्सुजी नोजीमा, जिन्हें वाटर सिमुलेशन से खेलना काफी पसंद है, उन्होंने अपने काम को डायरेक्टर यामाज़ाकी को प्रेजेंट किया, जिसने डायरेक्टर यामाज़ाकी को इस सीक्वेंस को बनाने के लिए इंस्पायर किया। बात करें अगर फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग को जापान के कांतो और शुबू में शूट किया गया था, और यहाँ के होंजो रीजन में साल 2022 के मार्च में इसकी फिल्मिंग हुई थी। साथ ही साथ इस मूवी के वाटर सीक्वेंसेस को लेक हामना और एनसुसी में फिल्म किया गया था। साथ ही साथ बोट और नेवी सीन्स के लिए एनशु के तेंडू रिवर का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर सिटी के लोकेशंस के लिए नागानो के ओकाया का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मीहू के काशिमा नेवल एयरबेस साइट, चिकसुई के शिमोदाते
जनरल स्पोर्ट्स पार्क और काजामा के सुकुबा नेवल एयर ग्रुप मेमोरियल म्यूजियम का भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर बात करें इस मूवी के म्यूजिक और इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को नाओकि सातो ने संभाला था, जहाँ पर उन्होंने स्टूडियो जिबली की कई सारी मूवीज, ओरिजिनल गॉडजिला, 1962 की किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला और 64 की मोथरा वर्सेस गॉडजिला का भी इंस्पिरेशन लिया। जहाँ पर बात की जाए अगर गॉडजिला के सिर्फ और सिर्फ आवाज की, तो उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने शुरुआत में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके रोर को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, बट इंस्टेड उनके दिमाग में आइडिया आया कि वो गॉडजिला के साउंड को और ज्यादा डरावना और भरा हुआ दिखा सकती हैं सेट्स पर कई सारे बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर, जिसके लिए उन्होंने जूजू मरीन स्टूडियो के अंदर इस पूरे स्पीकर सिस्टम को बिठाया था, जहां पर कोई भी सीलिंग नहीं है और इस साउंड से आसपास के सारे लोकेशंस में कंपन फैल गई थी। खैर, इस मूवी का एक ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन भी रिलीज किया गया था, जिसे 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था और ये 1 फरवरी तक सिनेमा हॉल्स में चली थी और ये बेसिकली 1963 की हाई एंड लो मूवी जो अकीरा कुरोसावा द्वारा डायरेक्टेड थी उसी को एक ट्रिब्यूट थी, जिसके अंदर एक स्मोक सीन को भी इंक्लूड किया गया था, जहां पर इसे ऑल मोनोक्रोम नहीं बल्कि कई सारे ब्लैक एंड व्हाइट मैट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इस मूवी को 10 दिसंबर 2023 में जब अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने टोटल 25.3 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया, जो जापानीज लाइव एक्शन के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में अब तक का सबसे ज्यादा कमाने वाला मूवी साबित हुआ। वहीं पर हायाओ मियाज़ाकी की द बॉय एंड द हेरन इस लिस्ट की 3rd मूवी साबित हुई। खैर, अगर इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो इस मूवी ने अपने पहले दिन के अंदर अंदर यूएस और कनाडा से 4.7 मिलियन डॉलर्स की कमाई की और फिलहाल इसने अब तक अपने 10 से 12 मिलियन डॉलर्स के बजट पर 115 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसके अलावा इस मूवी को वेस्ट से भी काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला, जहां पर 2014 की गॉडजिला के डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड ने इस मूवी को देखने के बाद एक्सप्रेस किया कि उन्हें काफी ज्यादा जलन हो रही है और ये एक ऐसी गॉडजिला मूवी है जिसे उन्हें बनाना चाहिए था। इसके अलावा डायरेक्टर माइकल डेघर्टी, जिन्होंने मॉडर्न गॉडजिला मूवीज को बनाया है, उन्होंने इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट गॉडजिला मूवीज में से एक बताया। वहीं पर गेरमो डेल तोरो को ये मूवी एज अ मिरेकल लगी और एडम विंगार्ड, जिन्होंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग को बनाया है, उन्हें भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। साथ ही साथ यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी इस मूवी की काफी ज्यादा तारीफ की। बात करें अगर अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो इस मूवी ने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया, जहां पर एक्चुअली इस मूवी को 129 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से इसने दुनिया भर के 64 यानी 64 अवार्ड जीते, इंक्लूडिंग एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड का बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। साथ ही साथ इसे एशियन फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट विजुअल इफेक्ट और बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला। वहीं पर क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड्स के अंदर इसे बेस्ट साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी का अवार्ड मिला एंड ऑफ कोर्स इसे नेटिव जापान की जापान एकेडमी फिल्म प्राइज के अंदर पिक्चर ऑफ द ईयर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट लाइटनिंग, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग और बेस्ट एडिटिंग का भी अवार्ड मिला। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बिहाइंड द सीन इस मूवी के पॉजिटिव ही नहीं रहा और इसके बिहाइंड द सीन कई सारे डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, जहां पर सबसे पहला तो था बजट डिस्प्यूट, जहां पर दुनिया भर में इस बात को क्लेम किया गया था कि इस मूवी को 1 बिलियन जापानीज येन के अंदर बनाया गया था, इसे खुद डायरेक्टर यामाज़ाकी क्लेम कर रहे थे, बट मूवी इनसाइडर्स और एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस तरह की मूवी को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन डॉलर्स तक का खर्चा आया होगा, जो रफली 2.2 बिलियन येन होता है। बाद में डायरेक्टर यामाज़ाकी ने इस बात को कंफर्म किया कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिलियन डॉलर्स का खर्चा लगा था और ये जापानीज फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा है और अब तक उन्होंने इसके ऑफिशियल बजट को रिवील नहीं किया। वहीं पर इस बात को भी रिवील किया गया था कि इस मूवी के लिए कई सारे लेबर लॉज को एक्सप्लॉइट किया गया था और कई सारे एनिमेटर्स और आर्टिस्ट को हार्श वर्किंग कंडीशंस के अंदर रखा गया था। फाइनली डायरेक्टर यामाज़ाकी ने इस बात को भी डिनाई किया और उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि किसी भी आर्टिस्ट और एनिमेटर को वर्स कंडीशन में नहीं रखा गया था, ना उनके साथ कोई भेदभाव या बुरा व्यवहार किया गया था और यहाँ पर उन्होंने एनिमेटर्स के लिए किचन, बाथरूम और बेडरूम की भी सुविधा दी थी।
तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इसका सीक्वल आएगा। वेल, फिलहाल तो शुरुआत में डायरेक्टर यामाज़ाकी ने इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन पहली मूवी की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने सेकंड मूवी को बनाने का इच्छा जरूर जताई है, जहां पर सेकंड मूवी के अंदर यामाज़ाकी ने इस बात को हिंट किया है कि हमें काइजू बैटल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पर 1997 में रिलीज हुई प्रिंसेस मोनोनोको के कई सारे मैसेजेस और थीम्स को भी इस मूवी के अंदर अडॉप्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं इस मूवी की कंफर्मेशन कब होती है। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है और मुझसे कौन कौन से फैक्ट छूटे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।